हाँ भाई, आज क्या हो गया? बड़ा सीरियस सा लग रहा है यार। कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो है। बता ना यार, क्या प्रॉब्लम है? आज क्या डेट है? आज है मेरे 16 मई है शायद। बिल्कुल, आधा महीना निकल चुका। क्या हो गया फिर आप क्या करते हो? भाई? मैं तो बिजनेसमैन, बिजनेसमैन हूँ, छोटा रियलिस्ट, मोटा बिजनेस। छोटा मोटा। मैं क्या करता हूँ? जॉब। आप तो जॉब वाले हो, हाँ, तो पहले तो जॉब पंद्रह वाले के पास तो बहुत पैसे होते हैं। ये लगता है पहले 15 दिन जो जॉब वाले होते हैं ना, वो होते हैं राजा। अच्छा, फिर क्या होते हैं 15 दिन बाद? एक एक रुपया सोच सोच के खर्च करना पड़ता है हमें। ऐसी बात है? हाँ, तो आप तो बिजनेसमैन हो, आपकी तो चक्री चलती रहती है। नहीं, हमें आते हैं जाते हैं तो हम अपना खर्चे को कंट्रोल नहीं कर सकते, हाँ, ये तो दिक्कत है हमारे लिए। यही तो दिक्कत है, हमें कंट्रोल करने के चलना पड़ता है। अब मेरे साथ क्या हुआ जी, आज मैंने सोचा था कि मैं आपको अपनी तरफ से, अपने पैसों से एक छोटी सी ड्रिंक की पार्टी दूं। अच्छा ठीक है, अब हुआ क्या, बजट थोड़ा टाइट है। ठीक अच्छा है, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट चाहिए था मेरे को, तो मैं थोड़ा कन्फ्यूज हूँ कि अब मैं क्या करूँ। मेरे पास कोई विस्की नहीं है आपको आज पिलाने के कोई लिए। बात नहीं, उसका अरेंज मैं करूँगा। वो कैसे? तू अपनी सैलरी में से मेरे को पैसे दे दियो बाद में, आज की अगर पार्टी मैं ही कर देता हूँ। अगर अच्छी लगी और मेरे बजट को मैच हुई तो ही होगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं रॉबिन जी, हाँ, मैं भी जानता उनसे हूँ उनका। मेरी इंस्टाग्राम पे बात होती रहती है, तो उन्होंने मेरे को एक प्रोडक्ट बताया, अच्छा। कह रहे नया लॉन्च हुआ है और काफ़ी पॉपुलर है, यंगस्टर बहुत पसंद कर रहे हैं और बहुत बजट में है। नया लॉन्च हुआ है? अच्छा नया इन सेंस, वो पहले प्रोडक्ट चल रहा था अच्छा तो 2024 का एडिशन कह रहे हैं वो। अच्छा हाँ, अपडेटेड आया है। अपडेटेड वर्जन है। अच्छा, चलो हाँ, देखते हैं ऐसा क्या खास है। देखते हैं। चलो भाई, हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द गेम विच यू एंजॉय द मोस्ट, द गेम ऑफ एल्कोहल्स। अल्कोहल्स। तो अभी फादर साहब ने, जैसे आपको मेरे चेहरे पे एक हंसी दिख रही होगी, वो उदासी के बाद उसका जो कारण है वो देखने चलते हैं आज। क्या कारण है, वो मैं ही प्रूव करूंगा ना। करो प्रूफ टुडे करो। द प्लेयर ऑफ द गेम इज रशियन नाइट 2024 एडिशन। अच्छा जी, 2024 में क्या खास है, मैं अभी बता रहा हूँ, क्योंकि ये ये आती है सराउंड डिस्टिलरी से, ठीक है। राइट? बिल्कुल कस्टमर फीडबैक पर उन्होंने इसमें ब्लेंड को अपडेट किया है अच्छा, और मतलब तब इन करके ये 2024 एडिशन बताया तब आप मैंने। नहीं कह रहे थे, हाँ, जबकि मैं वही, मतलब ये ब्रांड तो पुराना है लेकिन अपडेटेड नए अवतार में, अपडेटेड वर्जन है। नए अवतार में। बिल्कुल और ये फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब भी हो गया फिर, बिल्कुल क्योंकि इस साल तो आई डोंट थिंक सो रशियन नाइट का रिव्यू अपडेटेड ब्लेंड के साथ किसी ने किया है। नहीं किया, वो हम पहली बार यूट्यूब पे कर रहे हैं तो ये हो गया फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब। यूट्यूब। सराव डिस्टिलरीज पंजाब से आती है, और अगर मैं बात करूँ इसके ब्लेंड के बारे में, तो दिस इज़ अ ब्लेंड ऑफ इंडियन ग्रेन स्पिरिट, स्कॉच मॉल्ट्स, मेच्योर्ड मॉल्ट स्पिरिट, इन सब का ब्लेंड है। और साथ ही साथ ये अवेलेबल है नॉर्थ इंडिया की 3 स्टेट्स में। आपकी हो गई दिल्ली, पंजाब, छत्तीसगढ़ मेरे ख्याल, यूपी और एक छत्तीसगढ़ में भी, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में भी 4 हो गए। हाँ, तो 4 स्टेट्स में अवेलेबल है, तो अवेलेबिलिटी अच्छी खासी है नॉर्थ इंडिया में। बाकी एक्सपेंशन जैसे हम कहते हैं कि करना चाहिए, तो वो इन्हें करना चाहिए, हर ब्रांड को करना चाहिए इनफैक्ट, बिल्कुल, हम बार बार कहते हैं अवेलेबिलिटी अच्छी होनी होनी चाहिए। चाहिए। ये कंपनी 5-6 साल पुरानी है, रिलेटिवली एक यंग यंग कंपनी है, कंपनी है। हाँ और रशियन नाइट की वजह से इसको बहुत अच्छी पहचान भी मिली है। हाँ और इस कंपनी को जो ऑन करते हैं मिस्टर करमजीत सिंह, काफ़ी कम समय में एक नई एक कंपनी, प्रोडक्ट पे एक मतलब, प्रोडक्ट से इन्होंने इतना नाम बना लिया है, ये तो खैर मानने वाली बात है। अगर आप लोगों ने ये टेस्ट करी है तो आप भी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपका एक्सपीरियंस इसके साथ कैसा रहा। स्पेशली हम इस पे फोर्स क्यों करें 2024, क्योंकि ये नया एडिशन है। तो अगर नहीं किया तो जाओ इसको मार्केट से लो और फिर हमें कमेंट करके बताओ कि आपको प्रोडक्ट कैसा लगा। और एक चीज़ और है कि यंगस्टर्स में ये बहुत पॉपुलर है, उसका एक कारण तो आपको पता ही है, जिस तरह का इन्होंने कैची सा एक नाम रखा हुआ है। हालांकि अगर रेट 500 की जगह 600 करते तो एक और जोक बहुत अच्छा रिलेट करता है, अगर आप लोग समझ पा रहे हो तो। मैं फादर साहब के साथ हूँ तो नहीं बोल सकता। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। अब एक काम करते हैं, पहले चलते हैं इसके बॉक्स बॉक्स ओवरव्यू ओवरव्यू पे और और बॉटल बॉटल। ओवरव्यू पे। अब अगर पहले बॉक्स की बात करें, कंसिडरिंग द प्राइस, बॉक्स क्वालिटी अच्छी है, जो फॉन्ट्स वगैरह हैं वो क्लियरली विजिबल हैं, डार्क फॉन्ट यूज हुआ हुआ है, अगर बैकग्राउंड लाइट है वो क्लियरली विजिबल है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रशियन नाइट विस्की, इनका जो नाम भी थोड़ा कैची है यार। नाम तो है ही कैची डेफिनेटली। और डिटेल्स, चेक द लेबल, जो हमारी मुहिम है हम उसको भूले नहीं हैं, चेक द लेबल यहाँ पे भी वैलिड है। और जो इंग्रेडिएंट्स हैं, एक एक डिटेल इन्होंने अच्छे से मेंशन करी है। अच्छी बात यह है
कि इन्होंने यहाँ पे अपनी वेबसाइट ईमेल आईडी भी मेंशन करी है, कस्टमर केयर भी है, वेबसाइट अपडेटेड है। इतने कम बजट सेगमेंट की जो विस्कीज होती है उनकी वेबसाइट जनरली अपडेटेड नहीं होती, तो मुझे ये देख के अच्छा लगा कि इनकी वेबसाइट अपडेटेड है और इनका लोगो ये लायन है तो शेर जंगल का राजा। तो क्या ये इस सेगमेंट की नई राजा या एटलीस्ट वन ऑफ द कॉम्पिटिटर बन सकती है या नहीं, वो देखते हैं। पहले चलते हैं बॉटल ओवरव्यू पे और देखते हैं बॉटल डिज़ाइन कैसा है। बॉक्स क्वालिटी से कोई कंप्लेंट नहीं है, डिटेल्स लिखी हुई हैं, चेक द लेबल में पास है। अब चलते हैं इसकी बॉटल पे। अगर हम बात करें बॉटल की, बॉटल का डिज़ाइन कंटेम्प्रेरी और सेफ है, डिज़ाइन सेफ है, अच्छा है, एवरग्रीन डिज़ाइन है। एक चीज़ हो रहा है, मेरे को लेबलिंग अच्छी लगी है। हाँ, लेबल क्वालिटी वही जैसे बॉक्स पे था कि एक एक चीज़ क्लियरली विजिबल है, वो सब दिख रहा है। इनफैक्ट अगर हम इंग्रेडिएंट्स की बात करें वो भी सारे मेंशन है इसमें, और कोई कमी एज सच तो मुझे इन टर्म्स ऑफ चेक द लेबल तो बिल्कुल नहीं लग रही। इवन इन्होंने अपना एग्जैक्ट एड्रेस भी दिया हुआ है विद पिन कोड, तो ट्रांसपेरेंसी डेफिनेटली इसमें क्लियरली विजिबल है। अब अगर हम पहले बात करें इसके प्राइस की, जिसका आपको इंतज़ार है, वैसे आप समझ ही गए होंगे जो हमने बोला कि हमारी जो मुहिम है, जो लिस्ट बनने वाली है, जो एक्चुअली हम अंडर 500 की लिस्ट को मेंटेन कर रहे हैं, शुरुआत हो चुकी है उसकी, काफ़ी तो हम रिव्यू कर चुके हैं और काफ़ी अभी आगे भी हैं, तो उन्हीं में से एक प्लेयर ये है। इसका प्राइस है एग्जैक्ट सगन वाला 500, सगन नहीं होता यार, वो सगन 501 होता है, 500 रुपये का, 500 रुपये ABV 42.8%, दिस इज़ अ 750 ml बॉटल। बाकी तो आपको पता ही है क्वार्टर हाफ ये सब तो डेफिनेटली अवेलेबल होते हैं, लेकिन तेरे को और बताता हूँ, हमें कलेक्शन करने का मजा आता है कि मिनिएचर का। हाँ, वो मुझे बड़ा हमारा क्रेज है, ठीक है ना, तो इनका मिनिएचर भी आता है यार, ये मत कह कि हमारे पास वो अवेलेबल नहीं है। लो जी, मिनिएचर भी आता है इसका। मिनिएचर कितने ml का है? 90 ml का मिनिएचर है और प्राइस है 60 rupees, तो प्राइस भी नॉमिनल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक चीज़ जो मुझे अगेन अच्छी लगी कि कम बजट की विस्की होने के बावजूद, जैसे इन्होंने वेबसाइट वगैरह रखी हुई अपडेटेड, अब इन्होंने मिनिएचर निकाल के प्रूफ कर दिया कि एफर्ट डाल रहे हैं। इस प्राइस सेगमेंट में मिनिएचर की अवेलेबिलिटी बहुत कम है। हाँ, ये है कि मिनिएचर की अवेलेबिलिटी कम है, मगर तो ये दिल्ली की वाइन शॉप पे मिल रहे हैं, हाँ। तो ये भी अच्छी बात, क्योंकि है, मैंने ये लिया है ना, जब बॉटल ली थी तो मेरे को दिख गया था, तो मैंने कहा एक यार मिनिएचर भी दे दो, क्वार्टर हाफ के साथ मिनिएचर भी मिल जाए तो और क्या ही चाहिए, तो ये तो बहुत ही मजेदार बात है। अब एक काम करते हैं, इसकी पोरिंग पर चलते हैं, बिल्कुल ठीक है, और मिनिएचर का यूज किस किस को, और पोरिंग करने से पहले एक चीज और अच्छी जो पता चली, स्टॉपर, तो ये भी एक अच्छा पॉजिटिव साइन मुझे दिख गया है, तो ढक्कन को रखते हैं साइड में। चलो जी, अब तूने तो बॉटल से काम करना है, तो ये मिनिएचर मैं उठा लूँ ना साइड। हाँ, 500 की डील हुई थी ये, कितने का? 60 का था ना। हाँ, कोई नहीं, बाद में वो भी निपटा देंगे। अगर ये मुझे अच्छी लगी तो मिनिएचर आपका, बस चलो 500 मैं दूंगा, तो पार्टी में समझ लेना मिनिएचर भी मेरी तरफ से हो गया। एक चीज़ जो हाईलाइट करने वाली है कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्लियरली मेंशन्ड है, चेक द लेबल की मुहिम में पास होती है, इवन दो इसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर है, इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है, होता ही है, तो अच्छी बात है। लेकिन 500 या अप टू 600-650 तक ये जायज़ है, इससे ऊपर आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं होना चाहिए, ये हमारी मानना है, हमें लगता है नहीं होना चाहिए। विस्की का मज़ा ही क्या फिर अगर आपने फ्लेवर डालने हैं, तो ऐसे तो फ्लेवर चॉकलेट भी बंदा खा पी सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, तो फ्लेवर नहीं, एक्चुअली ये सारी हर एक पब्लिक को देख कर बनाया जाता है मेरे हिसाब से। हाँ, वो मैक्सिमम पॉपुलेशन को टैप करने के लिए स्वीटनर्स वगैरह ये सब चीज़ें भी होती है, बट डेफिनेटली विस्की का अब एक्सपीरियंस कैसा रहता है उसकी तरफ देखते हैं और चलते हैं। बाकी अबव 700 आई अगेन रिपीट, आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं होना चाहिए, होना नहीं चाहिए, होता है तो फिर ब्लेंड ज़बरदस्त होना चाहिए कि बंदा चाह के भी इनकार ना कर पाए। तो अब पहले चलते हैं इसकी नोजिंग पर और देखते हैं क्या एक्सपीरियंस रहता है। कलर के लिए चलेंगे और टेस्टिंग के लिए फादर साहब के पास, तो पहले चलते हैं नोजिंग पर। सबसे स्ट्रॉन्ग और जो डोमिनेंट फोर्स नोज पे आई है वो है वुडीनेस की, राइट, जो एक भपका होता है ना जो इस सेगमेंट में कभी कभी मिल जाता है वो नहीं है, तो ये एक अच्छी बात है कि नोज पे वो वाली स्ट्रॉन्ग नहीं है, बुरी वाली वो चीज नहीं है। और वुडीनेस के साथ साथ हल्की सी फ्रूटी भी लग रही है नोज पे, ऐसा लग रहा है जैसे हल्की फ्रूटी या स्वीट साइड पे होगी। अब देखते हैं कि नोज पे कैसा परफॉर्म करती है, पहले चलते हैं कलर के लिए फादर साहब के पास। नोज पे नहीं, टेस्ट पे, टेस्ट पे, सॉरी, ऐसा नहीं है नाक से चढ़ गई, मन बहुत होता है, आप लोग 100 के कराओ यार, हमें भी चांस मिले। कलर तो फिर एम्बर ही है, मैं क्या, कलर एम्बर है, कलर अच्छा लग रहा है, टेस्टिंग में कैसी है। और एक चीज और किसी बंदे ने मुझसे पूछी थी, एक सेकंड आप, हाँ एक सेकंड रुक जाओ, एक चीज़ बंदे ने पूछी थी, हमारे सब्सक्राइबर थे या जो भी फ्रेंड है जिन्होंने पूछी
कि आप आर्टिफिशियल कलर होता है तो कलर के बारे में इतना एम्फसाइज करके क्यों बात करते हो? देखो इसके पीछे एक साइंस और एक लॉजिक है। आप ट्रांसपेरेंट ग्लास में क्यों पीते हो, आप स्टील में क्यों नहीं पीते? आपने तो पीनी है। एक कनेक्टिक बॉन्ड बनता है जब आप किसी भी फॉर्म ऑफ अल्कोहल को कंज्यूम करते हो, तो उस फॉर्म उस बॉन्ड को कनेक्ट करने के लिए कलर इंपॉर्टेंट होता है। कुछ कलर आपको रिलेटेबल लगते हैं, कुछ नहीं लगते। अब जैसे मैं आपको पिंक कलर की विस्की पकड़ा दूं तो आपको फील आएगी, बहुत अजीब सा लगेगा, लिक्योर फिर भी समझ आएगा, लेकिन विस्की पिंक कलर तो वो कनेक्ट नहीं बन पाता। इसलिए कलरिंग या कलर बताना इंपॉर्टेंट होता है। देखते हैं भाई, एक्साइटेड तो हूँ मैं अब, क्योंकि अपडेटेड ब्लेंड जैसे वादे और उसके बाद यंगस्टर्स में इतना पॉपुलर होना, और हमारे जो सब्सक्राइबर और फैमिली फ्रेंड है, फैमिली फ्रेंड मतलब फैमिली हो गए आप लोग, रॉबिन जी ने भी कहा है बढ़िया, वुडीनेस बहुत है, बहुत है, बहुत अच्छे सेंस में, बिल्कुल ठीक है। थोड़ी स्वीट फील हो रही है मेरे को, सिनेमन का फ्लेवर आ रहा है इसमें, ठीक है, जो हमारे इंडियन पैलेट को ज़्यादातर लोगों को स्वीटनेस चाहिए होती है, वो आई थिंक टारगेट की गई है, ठीक है। और इसके बाद हमारे जो मेन क्वेश्चन है उसके लिए भी इस वीडियो में जुड़े रहिए, एक मेन क्वेश्चन भी पूछने वाला हूँ मैं। थोड़ी फ्रूटी फील हो रही है मेरे को, ठीक है, हल्की सी स्पाइसीनेस लग रही है वाइट पेपर की। अच्छा, ब्लैक पेपर थोड़ी हार्ड लगती है ना, तो वाइट पेपर में थोड़ा सा उतनी हार्डनेस नहीं है, स्पाइसीनेस मतलब उतनी तेज नहीं है, वो ज़्यादा तेज होती है ना ब्लैक पेपर, तो हाँ वाइट पेपर स्वीट लगती है थोड़ी, मतलब इतनी स्पाइसी नहीं होती कंपैरेटिवली उससे। हाँ, तो एक चीज़ जो बेसिक क्वेश्चन मैं हर बार पूछता हूँ स्पेशली इस सेगमेंट के लिए, सॉरी हम रेकमेंड नहीं करते कि आप इस सेगमेंट को नीट पिए, बट फिर भी हम नीट इसलिए पीते हैं क्योंकि जब नीट पे ऐसा एक्सपीरियंस है तो पानी पे जेन्युइनली बेटर ही होता है, होता ही है, वो तो ऑब्वियस है क्योंकि डाइल्यूट भी हो जाती है। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि स्टार्टिंग फ्रॉम योर टंग, क्या आपको इस पे कोई टिंगलिंग इफेक्ट, कोई हार्शनेस, कोई आफ्टर बर्न कुछ फील हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई जलन कुछ ऐसा कुछ इंटेक पे भी कोई ऐसा फील नहीं हुआ, स्मूथ है, कोई दिक्कत नहीं है, और पानी डाल के तो फिर ऑब्वियसली बेटर, वो तो अंडरस्टूड है यार, पानी इस सेगमेंट में हम नीट के लिए तो कहते ही नहीं ना, बिल्कुल। तो अब एक चीज और है कि जब मैं इस विस्की को रिसर्च करते हैं, जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे एक चीज़ पता चली जो कि बहुत अच्छी लगी, जो मैं बार बार बोलता हूँ कि हमारे जो इंडियन वेंडर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन्हें ध्यान देना चाहिए, वो है अपनी वेबसाइट को अपडेटेड रखो और अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे एक्टिव रहो। तो ये एक्टिव थे, तो आप जब इस विस्की को कंज्यूम करें और अगर आपको ये अच्छी लगे या ना अच्छी लगे, आप जाओ इनके इंस्टाग्राम हैंडल पे इनको पिंग करो, क्योंकि इन्होंने मेरे पिंग का जवाब दिया था, इसलिए नहीं, एक चीज़ और है ना, इन्होंने जो ब्लेंड चेंज किया है इंस्टाग्राम पे, जो इनके सब्सक्राइबर हैं, कस्टमर फीडबैक है, हाँ, जो कस्टमर भी फीडबैक पे ही तो इन्होंने नया ब्लेंड लिया ना, तो सुनी है लोगों की। हाँ, तो आप भी अपने अपने जो व्यूज़ हैं वो जाके ज़रूर एक्सप्रेस करो। सराव डिस्लरी और रशियन नाइट नाम के इनके दो आई थिंक हैंडल्स हैं, तो सराव डिस्लरी आई थिंक ऑफिशियल होगा क्योंकि बाकी ब्रांड भी उसमें, आप जाओ अच्छी लगे तो भी पिंग करो, ना अच्छी लगे तो भी पिंग करो, और बात करो कि सर हमें ये एक्सपीरियंस कैसा लगा। इससे क्या होगा, उन्हें फीडबैक मिलेगा, हमें अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा, जितना अच्छा कंपटीशन होगा हमें एज अ कंज्यूमर उतना ज़्यादा फायदा होगा। पहले हम चलते हैं इसके ओवरऑल एक्सपीरियंस पे, आपके इस प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस कैसा रहा, ताकि हमारी फैमिली को पता चले कि भाई पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो क्या उन्हें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक मिनट रुक जाए। अच्छा, एक और, क्या ये एक्सक्यूज़ है एक बार और पीने का वीडियो में? भाई प्रोडक्ट में दम है, दम है, बिल्कुल है, क्योंकि मैं जब वाइन शॉप पे गया था, हाँ, तो कस्टमर आ रहे थे ना, तो इसको पूछ रहे थे रशियन नाइट दियो यार, क्वार्टर दियो, हाफ दियो, तो मैं सोच रहा था कि मैं गलती तो नहीं कर रहा लेकर, तो गलती हुई या नहीं हुई? बिल्कुल नहीं हुई, मजेदार, बिल्कुल ठीक है, पास है, बिल्कुल 100% पास है यार मेरी तरफ से, क्योंकि इस बजट में ये बहुत, इन्होंने जो अपडेट किया है ना, हाँ हाँ, तो उस हिसाब से ये मेरे को अच्छा लग रहा है प्रोडक्ट। तो अगर हम बात करें इसकी रेटिंग की, तो आप इसे रेट क्या करेंगे? भाई इसको रेटिंग मैं दूंगा 8.4। चलो ये अच्छा एक चीज़ है, पर अगर ये प्रोडक्ट इतना ही अच्छा कर रहा है तो एक सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट आई है मुझे। अब आप पंजाब जाते रहते हो? बिल्कुल, मैं जाता रहता हूँ यार, मैं वहाँ पे भी देखी है काफ़ी
ये रशियन नाइट, हाँ उसे इनका ना एक अभी और... दो तीन प्रोडक्ट लेके आया था तेरे लिए, हाँ हाँ याद है, याद है, तो वहां पे भी देखी थी मैंने एक, मैंने अपना ना वो क्या कहते हैं इनकी वेबसाइट पे देखी थी, ग्रैंड लेबल करके एक विस्की है, ओल्ड स्पीच रम है और एक ओल्ड स्पीच विस्की है, तीन चार प्रोडक्ट्स हैं इनके, लेकिन उसमें ना मेरे को ग्रैंड लेबल में और इवन इनकी जो ओल्ड स्पीच रम तो सर्दियों में पकड़ लेंगे, नहीं रम तो अभी नहीं करेंगे, रम तो सर्दियों में पकड़ लेंगे, अगर मेरे को वो मिल गई इनके ब्रांड, इन दोनों में से कोई और प्रोडक्ट भी मिल गया ना मेरे को पंजाब में जिसकी परफॉर्मेंस, तो मैं लेके आऊंगा, हाँ, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 15-20 दिनों में एक बार ही जरूर एक राउंड लग जाता है, तो एक बार वो चेक करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, देखते हैं कि इतना हुआ अगर मचा है तो कल को जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर जिसकी 500 वाली विस्की अच्छी हो ना, हम हमेशा कहते हैं कि उसको एक सेगमेंट ऊपर जाना चाहिए और 830 840 850 800 वाली रेंज में अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना, बिल्कुल करना, और जो 800-900 अच्छा कर जाए उसमें सक्सेसफुल हो जाए तो वो 1200-1300 में जाए, ऐसे ही इंडियन विस्की मार्केट ग्रो करती है, बिल्कुल इंडियन ब्रांड्स ग्रो करते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं आपका एक्सपीरियंस इस प्रोडक्ट के साथ कैसा रहा, इस प्लेयर के साथ कैसा रहा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, रिमेंबर ड्रिंकिंग इज नॉट जस्ट अबाउट द ग्लास बट द क्लास, पीना भी एक कला है, टिल देन चीयर्स।